जो लोग 75% रिजर्वेशन और लोकल कैंडिडेट्स को जुमला बोलते हैं, उनकी सोच स्पष्ट है कि वो हरियाणा के युवाओं के हाथ में रोजगार देखना नहीं चाहते। और ये भी सामने में लाकर दूंगा कि इन एसोसिएशनों के पीछे किन किन पॉलिटिकल लोगों का मास्टरमाइंड रहा है जो हरियाणा के युवाओं को उनके अधिकार ना मिले इसके लिए अड़चन बनेगी। मैं तो ये चीज बोल सकता हूं कि हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि हम हरियाणा के युवाओं को 75% रिजर्वेशन नौकरियों में दिलवाने का काम करें। और आज सुबह हमने सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन भी किया। सुप्रीम कोर्ट के आगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बात भी रखी कि बिना सुने अपील एक्सेप्ट करी गई, स्टे किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी मेंशनिंग को एक्सेप्ट किया है और इसकी फर्दर सुनवाई के लिए मंडे को तय किया गया। हमें पूरी उम्मीद है कि देश के सबसे बड़े अदालत के अंदर हरियाणा अपने अधिकार की लड़ाई भी लड़ेगा और युवाओं को जो हमारा वादा है वो पूरी तौर पर दिलवाने का काम करेगा। हम बड़ी गंभीर तरीके से इस कानून को युवाओं को लाभ के तौर पे कैसे दिलवा पाए इस पे काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी निरंतर हमारी चर्चाएं चल रही है। 13 तारीख को गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों से मैं चर्चा करूंगा, 18 तारीख को आपके फुटवेयर एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा, कल पानीपत के हैंडलूम एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। और जो भ्रम है या जो पॉलिटिकल एजेंडा इसको रोकने के लिए बनाया गया है उसको भी उनके दिमाग से क्लैरिफाई करेंगे कि ये आपके नुकसान का नहीं है। मैंने खुद एक सोनीपत की फैक्ट्री का चेक करवाया, जिस फैक्ट्री मालिक ने अपने आसपास जूते बनाने का वो फैक्ट्री काम करती है आसपास के गांव में स्केलिंग कराई और नतीजा ये आया कि आज उस फैक्ट्री में 90% लेबरर मेजोरिटी औरतें हैं जो लोकल गांव की हैं और वहां काम करती है। तो अगर इंडस्ट्री का इस तरह योगदान रहेगा तो वो दिन दूर नहीं होगा जो हम इस कानून को पूरी तौर पर लागू अच्छे तरीके से इंडस्ट्री के साथ मिलकर कर पाएंगे। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।